काम था। जगह किसने बंद कर दी? अरे ओ भाई, ये कौन था? हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो ठीक ठाक है ना आप सभी लोग? तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं बैंडी एंड द इंक मशीन। तो यार कोई बैंडी नाम का बंदा मिला है हमें, जो उसको साथ आज हम गेम खेलने वाले हैं। अब बैंडी पता नहीं कौन है, हम हैं कौन है। तो उसके बाद इंक मशीन आती है, इंक मशीन में क्या से मशीन का जो इंक डलती है वो है इस तरह की। हमने उसकी किसी कॉरपोरेशन वगैरह में जाना होगा। तो गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम के स्टार्ट करने से हमें पता लगेगा क्या कुछ हो रहा है। तो मैं फर्स्ट टाइम गेम ट्राई कर रहा हूँ, तो 2 मिनट की पहले मेरे से लगी थी, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि गेम में कोई एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि अक्सर इस तरह की गेम एरर करती हैं। तो न्यू गेम ट्राई करेंगे। आर यू वांट टू श्योर? यस। तो फाइनली गाइस हमारी गेम स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में हमारे पास स्टोरी आई है, डियर हेनरी, इट सीम लाइक अ लाइफ टाइम सिंस वी वर्कड ऑन कार्टून्स टुगेदर। ठीक है, 30 years रियली स्लिप्स अवे डजंट इट। ठीक हो गया ये भी। इफ यू आर बैक इन टाउन कम विजिट द ओल्ड वर्कशॉप, देयर इज समथिंग आई नीड टू शो यू। तो मेरे ख्याल से जो जॉय है, हमारा प्यारा जॉय ड्रियू, तो उसने हमें, हम उसके साथ पहले काम करते रहे हैं काफ़ी अर्सा। तो हम हैनरी हैं बेसिकली। तो जॉय है, उसने हमें अपनी वर्कशॉप पे बुलाया, कहता है कि हम काफ़ी अर्सा, वैसे भी 30 साल काम कर चुके हैं, हमें पता भी नहीं लगा 30 साल किस तरह गुजर गए। अगर तुम टाउन में वापस आते हो तो एक बार हमारी पुरानी जो वर्कशॉप है उसको विजिट करना, जो है हमारी इंक मशीन। तो हम जा रहे हैं अब उसकी वर्कशॉप में। वैसे मोटिवेशन कोड लिखा, वर्क हार्ड वर्क हैप्पी, तो काफ़ी अच्छी लग रही है यार। दुकान वगैरह चेक करते हैं जाके, भाई क्या अंदर सीन हो रहे हैं। ये तो अंदर जाने से गेम के पता लगेगा क्या कुछ तबाही होने वाली है। अभी हॉरर गेम है, फनी गेम है, कार्टूनी गेम है। ओके, चैप्टर 1 मूविंग पिक्चर्स। अब ये तो गेम खेल के पता लगेगा किस तरह की गेम है। ओके ओके, हमने इसे ढूंढना क्या करना है? ओके, मुझे न्यू ऑब्जेक्टिव मिला है, डिस्कवर जॉय सीक्रेट। तो जॉय का सीक्रेट ढूंढना है हमने उसकी वर्कशॉप के अंदर। आते साथ एग्जिट ना हो जाए, तो आते साथ ही बाहर चलते हैं गेम का एंड। गेम वाले इतने पागल तो नहीं है? हाँ जी। ओ मिकी माउस का हाथ यहाँ पे क्या कर रहा है? तो इस पे आंखें बनी हुई हैं, बैंड इन लिटिल डेविल डार्लिंग। भाई ये किसका तेल लीक हो रहा है ऊपर से? ऊपर वालों क्या कर रहे हो? ऊपर क्या बनाने की साजिश कर रहे हो? मेरे को मारना है तो? अच्छा, इंक इंक इकट्ठी हो रही है भाई। तो यहाँ पे क्या है? दा डांसिंग। ओ भाई, इसका सर कहाँ गया हमारे मिकी माउस का? इन्होंने तो काट के फेंक दिया है, इनके लिए लगता है कुछ भी नहीं। ओहो भाई, ये कुत्ता क्या कर रहा है? गुफी है ये, कौन है? खैर हम आगे चलते हैं, गेम के अंदर स्टार्ट करते हैं। इस तरह पे डोर है, इसको ओपन नहीं कर सकते? तो भाई तो ओके भाई, डोर लॉक है, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते। वाह, ये क्या है? जॉय ड्रीव स्टूडियो जो है ना यार, बड़ा प्यारा स्टूडियो बनाया। सबसे पहले गेम की तारीफ करनी पड़ेगी यार, कितने अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल कार्टूनिक टाइप गेम बनाई है। एग्जिट इस साइड पे है, यानी कि हमें जब भी कभी भागना पड़ा तो एग्जिट इस साइड पे होगी। अब भागना है, अंदर जाना है, ये तो हमें गेम के अंदर जाते साथ ही पता लगेगा। तो पहले वाली चीज़ विजिट करते हैं। अरे भाई तू कौन है भाई? क्या करना है मुझे बता, बड़ा हंस रहा है, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। तो मेरे ख्याल से इसी ने हमारे मिक्की माउस की गर्दन उड़ाई है और अपनी लगा ली है। खैर वो प्रिंटर तो कोई शो ही भी नहीं कर आ रहा। इस साइड पे भी तेरी तस्वीर है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ओए, तो यहाँ पे भी वो है, हर जगह वही है भाई। यार जो कुछ भी को गेम के ग्राफिक मुझे काफ बहुत ज़्यादा पसंद आया। और पार्ट टाइम यहाँ स्पाइडरमैन भी जॉब करता है। जाले देखो तो भाई, कितना पुराना है इसका वर्कशॉप। तो सबसे पहले इस साइड पे चलते हैं, ये साइड ओपन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द डांसिंग डीमन। लगता है ये डांस करवाना चाहेंगे मिकी माउस को। इस साइड पे तो तू फिर आ गया यार, तो चैन नहीं आ रहा। उ तो अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि ये है हमारा ओल्ड डेस्क, जहाँ पे मैं का काम किया करता था। इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ बर्बाद किया है भाई। बर्बाद करने वाली बात नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह तूने कोट लिखे हुए हैं यहाँ पे। खैर कोई मसला नहीं यार। यस, ओए होए भाई, इसकी लगता है बहुत ही दुख भरी स्टोरी है जोए की। भाई जोए कुछ नहीं होता है, सामने क्या है, इसको ओपन नहीं कर सकते? कोई तो जगह बता भाई, हमने क्या करना है? वर्क हार्ड वर्क हैप्पी डिलीशियस, खाना पीने का भी काम करता है। इस साइड पे भी कुछ है, यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई। हमारे लाइक लगता है कोई उठाने की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, कोई इंक शिंक पड़ी हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे। तो वहाँ पे इंक सी पड़ी हुई है, तो उससे पहले यहाँ पे ये भी तो है ना। हेलो सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
आप भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपके भी दांत तोड़ दूंगा, तो जो जो मस्ती करेगा उसके हम दांत तोड़ेंगे। यार गेम्स लग तो गई यार, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव इस साइड पे कोई देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव था इसका कोई सीक्रेट ढूंढना, तो वो भाई वॉशरूम के अंदर तो नहीं आना। नहीं भाई अंदर लाइट ही नहीं है, लाइट ब्लिंक कर रही है, कोई फोटो बना लेगा, क्या बनेगा हमारा। खैर चलते हैं बाहर वाली साइड पे, दोबारा से तो नहीं बोलोगे आप भाई, आपसे तो डर ही लग रहा है मेरे को। तो यार हॉरर गेम तो मेरे को लग नहीं रही, तो भाग लेते हैं इसके घर के अंदर, स्टूडियो के अंदर। और लकड़ी इतनी ज़्यादा आई हुई है, हर जगह लकड़ी लगा ली है। इस साइड पे क्या है, एक रूम है, इसको ओपन नहीं कर सकते, सारे रूम लॉक हैं भाई। तो पर छत भी सही करा लेनी थी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आर्ट डिपार्टमेंट, इंक मशीन। तो मेरे ख्याल से हमें इंक मशीन वाली साइड पे जाना है। वो भाई ड्रीम्स कम ट्रू, कितना प्यारा लिखा हुआ है। और कौन सा ड्रीम भाई ट्रू हो गया, और ऊपर से इंक हर जगह से लीक हो रहा है। ऊपर वालों क्या कर रहे हो, ऊपर कौन सी इंक बना रहे हो। तो हेलो सर, आप यहाँ पे भी, आपकी फ़ोटो, ये रूम ओपन नहीं होता, सारे रूम लॉक हैं भाई। हमने फिर क्या करना है, हम गेम में वैसे ही आए हैं मुंह दिखाने। इंक मशीन सामने लिखा है, ये अंदर से वाले आ रही हैं, सारे रूम लॉक हैं भाई सारे। ये रूम भी लॉक, एग्जिट एग्जिट याद। अच्छा यहाँ पे कुछ शेड्यूल लिखा हुआ है, ये तो नहीं राज इसका, जॉय ड्रू स्टूडियोज का इंक आउटपुट शेड्यूल लिखा हुआ है। तीसरा महीना मेरे ख्याल से लगता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, पूरा हफ्ता लिखा हुआ है। ठीक है, संडे की छुट्टी होती है तो ओके। 19 गैलन, 18 गैलन बैकअप, लगता है इन्होंने पहले ही हार मान ली है भाई, इतने अच्छे कोड लिख के। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेंजर कीप आउट, मुझे जाने नहीं। गेम वाले तो कह रहे हैं वॉच योर स्टेप। ओ भाई जंप भी करता है हमारा बंदा, यस। तो सामने हमें कुछ मिलेगा, अरे भाई सारा कुछ ही बांधा है, हम क्या करेंगे गेम में। तो इस साइड पे कौन सी जगह मैं आ गया हूँ। ओ अच्छा यहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं गेम के अंदर। अरे भाई अच्छा ये बोला है, तो फिर आ गया, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो ये चीज़ है जिसको हम ओपन कर सकते हैं। क्या पड़ा हुआ है भाई, मेरे पास एनर्जी आई है, एक एनर्जी ये भी है। ऊपर क्या है, तो ऊपर इंक पड़ी हुई है, इंक को मैं अपने सर पे रोड़ूँ। डेंजर कीप आउट, क्या कुछ करना है। ओ अच्छा इस साइड पे है कुछ, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, एक लागी दूसरी बोतल भी लागी। तो ओल्ड फ्रेंड भाई, मेरी तेरी स्टोरी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई जोए, तो इसको ऑन करते हैं। और भाई ऑन तो हो गया, सामने से क्या नहीं कर रहा है, मैं देख के आता हूँ। तो मैं नीचे तो नहीं जा सकता, नहीं। उड़ भाई ये टाइम मशीन है क्या, है इंक मशीन है, टाइम मशीन है, या डोरी मान के अंदर वो टाइम ट्रैवल वाले पुलिस वालों की गाड़ी नहीं होती। मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई क्या निकला है। तो इसके अंदर पता नहीं कितनी इंक होगी। तो हमारा न्यू ऑब्जेक्टिव आ गया, यानी कि पहला वाला काम हमने कर लिया। तो ये जॉय का सीक्रेट है जिसको हमने कंप्लीट करना था। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव देख के आते हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव मिला टर्न ऑन द इंक मशीन। तो सबसे पहले हमने पावर स्टेशन ढूंढना है, उन्होंने हमें टिप दी है। अब उसका पावर स्टेशन मैं कहाँ ढूंढूंगा भाई, इन्हें कहाँ बनाया हुआ, कोई रूम ओपन होगा भाई। सही में तुम्हारा शेड्यूल बहुत ख़राब है, क्योंकि तुमने सिर्फ एक छुट्टी दी है, अपने वर्कर्स को ज़्यादा छुट्टी देते तुम्हारी मशीन, यानी कि तुम्हारी वर्कशॉप ने काम करना था भाई। ओ ये रूम ओपन हुआ है, यहाँ पे मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। और लगता है मुझे जितनी फील आ रही है, हमारे साथ इस घर में और भी कोई है, क्योंकि मैं पहले सब कुछ देख के गया, वो सारे रूम लॉक थे। तो डांसिंग डीमन यहाँ पे भी है भाई, तू डांस कर ले जितना तूने करना है, तेरे मैं दांत तोड़ूंगा एक ना एक दिन भाई। गेम बहुत मज़े की लग रही है फिलहाल, तो कोई डर नहीं लग रहा, मज़ा आ रहा है खेलने में। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे चेक इन चेकआउट होता है, छुट्टी छुट्टी वाला सीन है। तो ये जगह खाने पीने की लग रही है भाई, खाने पीने का इंतज़ाम करो, बड़ी सख्त भूख लग रही है। यार तुम हर जगह स्पाइडर मैन, सही में तुम्हें पार्ट टाइम कोई स्पाइडर मैन रखा हुआ है। यहाँ पे कोई चीज़ है, मतलब मैं गेम के अंदर गेम भी खेलूँ भाई, मेरा तो निशाना है, बड़ा अच्छा लगा। खैर हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है दूसरा मिशन, दोबारा पढ़ लेते हैं। टर्न ऑन द इंक मशीन, इंक मशीन ऑन कर रही है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन टिप दी भी है, सबसे पहले हमें पावर स्टेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले इसका पावर स्टेशन ढूंढते हैं। यहाँ पे एक रूम तो नहीं था, तो ये रूम ओपन होता है नहीं। अरे भाई ये रूम ओपन हो गया, ये क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, सूप पड़ा है भाई, सूप पी लेते हैं, यस। मैंने कहा भूख लगी हुई है, गेम वालों से मुझे खाना ही दे दिया, थैंक यू भाई। इंक ये कहीं मुझे सूप के अंदर इंक तो नहीं पिला रहे आप गेम वालों, काइंडली प्लीज़ हमें बताएं, ये आपका डब्बा ख़राब तो नहीं, आप मुझे लेने नहीं दे रहे। स्पाइडर मैन यार तू छुट्टियाँ करने चला, या तूने सारी कंपनी ख़राब की है।
तो आगे चलते हैं। यहाँ डांसिंग डीमन, यार मैं तो तंग आ गया। वर्क हार्ड वर्क हैप्पी, स्पाइडर मैंने जगह बंद की हुई है। तो डरने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि हमारे साथ और भी कोई है घर में। तो ये सारे रूम लॉक हैं, वो ये भी ओपन हो गया। इधर क्या पड़ा हुआ है यार, इधर भी सूप पड़े हैं। मैं इतने सूप क्या करूँगा भाई, पेट खराब करना है थोड़ी। और भाई ये तो रेडियो मॉन हो गया है, इतना कुछ लिखा हुआ है भाई, गोली मारो। मेरे ख्याल से इसके खिलाफ कोई चीज़ निकली हुई, एट दिस माई और डोंट गंड वट जॉय प्लान, जॉय प्लान को गोले मारो। यार क्या इतनी बड़ी स्टोरी हमें सुना रहे हो, गेम वालों माइनर सा लिख देते कुछ तो। रेडियो को बजने देते हैं, कोई मसला नहीं भाई, रेडियो का बड़ा बिल आ रहा है, कंपनी बंद है। ये रूम भी ओपन हो गया भाई, यहाँ तो काफ़ी कुछ है। बिजली वाला रूम तो नहीं भाई, यहाँ से बिजली का सामान जाता है। स्पाइडर मैन मौज मार दूँ, सूप पीते हैं। खैर पेट खराब हो गया, यहाँ पे जो मर्जी करो, किसी को क्या पता। तो इस साइड पे भी एक गियर लगा हुआ है, प्रिंटर। तो अब बच्चे तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो एक लगता है हमारे से पहले कोई बंदा ये जगह सारी विजिट कर रहा है, रूम वगैरह ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे बैठ के मेरे ख्याल से मीटिंग्स वगैरह होती है, क्योंकि प्रोजेक्टर लगा हुआ है। एक प्रोजेक्टर स्टार्टिंग में भी था। ओ ये लगा हुआ है इंक प्रेशर, तो इंक का प्रेशर कैसे बनाए? तो इसके लिए मेरे ख्याल से पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, वो है पावर स्टेशन। तो चलो ये जगह तो मिल गई, यहाँ से हम इंक का प्लेशर बना सकते। सबसे पहले पावर स्टेशन ढूंढते हैं, पावर स्टेशन भी पास पास होगा, क्योंकि मेन चीज़ हमें मिल गई है, यहाँ से प्रेशर ऑन होता है। तो इस साइड पे भी कोई नहीं है। अरे वाह कितनी रोशनी है, बोर्ड पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कौन, घर के अंदर कौन जा रहा है यार? मुझे काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहे हैं। ओ भाई ये क्या हुआ है, मुझे तो डरा दिया भाई, ये ऊपर से कहाँ से गिर गया है भाई? और कोई चीज़ तो नहीं गिरेगी, मुझे मारने की साजिश। यहाँ पे कौन है भाई? ये भाई जोए, क्या सीन हो गया है? तो हमारा बंदा कह रहा है जोए तूने क्या काम किया है? तो ये गुफी है यार, गुफी को यहाँ पे क्या किया हुआ है? इतना तो कभी डोरीमोन को भी नहीं किसी ने पकड़ा था। तो ये बेचारी इंक कितनी लीक हो रही है भाई, कहाँ पे हम आ गए हैं? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इंक का? तो मोमबत्तियां भी जा रही हैं, ये पौधे क्यों उग रहे हैं यहाँ पे? ओ ये कहाँ से खुल गया, इसके अंदर तो हड्डी है। गुफी भाई हड्डी खा के सही हो जा भाई। है भाई हड्डी खाएगा? नहीं करने का नहीं। तो ये भी एक जगह है, इंक मशीन यहाँ पे है। ऑलराइट तो हमारा एक और मिशन कंप्लीट हो गया, हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। अब आया फिक्स द इंक मशीन, तो इंक मशीन को फिक्स करना है। ये हमारी इंक मशीन भाई, देख सकते हो लो प्रेशर। तो सबसे पहले इस गेम के लिए प्रेशर बनाना है। तो यहाँ पे हमें चीज़ें लगानी है, मेरे ख्याल से ये सामने जो कुछ लिखा हुआ है, टेडी लिखा हुआ है, एक म्यूजिक है, म्यूजिक पता नहीं हम कहाँ से लेके आएंगे। तो इस साइड पर काफ़ी कुछ सामान है, तो जो सा सामान हमें इसकी गंदी सी मशीन में मिलता है हम ढूंढ लाते हैं। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ ये तो था ही नहीं, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। ओ ये किसने यहाँ पे लगा दिया? मेरा बंदा भी पागल हो रहा है भाई, ये फटा तो अभी गिरा था, ऊपर तो नहीं कोई रहता सर, स्पाइडरमैन तो नहीं मस्तियाँ कर रहा है इस घर में। वो ये लगता है कहीं बेसमेंट में तो नहीं ये जगह बनी हुई। तो गुफी के पास चलते हैं, गुफी बड़ा याद आ रहा है मेरे को। कुत्ते मेरा कोई हाथ रहा तो मैं तुझे बचा लूंगा। तो छो इसके दिल के पास ये स्क्रू पड़ा हुआ था जिसने इसको तोड़ा है भाई, मैं तेरे सही करके छोड़ूंगा, टेंशन ना ले। जो कोई मेरे खिलाफ फुसड़ फुसड़ कर रहा करने दे, मैं तुझे ठीक कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। उसके अलावा और भी सामान ढूंढना है हमें, अभी थोड़ा सा सामान मिला, सिर्फ एक चीज़ मिली है। तो कुल मिलाकर 6 चीज़ें थी जिनमें से एक मिली है, पीछे 5 रह गई। 5 चीज़ें भी ढूंढते हैं और लगाते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है, फिर प्रेशर ऑन करेंगे। प्रेशर मेरे ख्याल से उसी जगह से ऑन होगा जहाँ पे हम पहले गए थे। अब इस साइड पे हमारे काम की कोई चीज़ कुछ भी नहीं है रहा, साइड पे आ गए हैं। वो ये डॉल, एक डॉल भी मिल गई, ये फाइनली हमारे पास डॉल आ गई। अब ये डॉल भाई मुझे लग रहा है इन प्रोजेक्टर वाली जगह ख़राब है, यहाँ से हमने प्रेशर बनाना है। तो प्रेशर वाली जगह भी हमें मिल चुकी है, काफ़ी कुछ मिल चुका है। बाकी हमारे पास 4 चीज़ें रह गई हैं, दो तो इसको ऊपर तो नहीं कर सकते। ये हमारी मशीन है भाई, पता नहीं ख़राब है सही। और तुम तो रुक चुके हो, तुम्हारा क्या काम है, अभी भी चल रहे हो? ओह यस हमें एक और पार्ट मिल गया है फाइनली। ये डब्बे डब्बे के अंदर हमारे काम की कोई चीज़, गेम वालों अभी तक 3 चीज़ें दी हैं तुमने हमें। बहुत से रूम बंद होने की वजह से सारे रूम मिक्स हो गए हैं। जो कुछ है भाई यहाँ पे, एक बुक लगनी है, बुक भी नहीं मिली, रेंच लग गया है। तो ये चूड़ी भी लग गई है,
दो चीजें हमने लगा दी हैं, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। छह चीजें, टैडी भी तो है ना, टैडी लगाते हैं। और भाई टैडी वाला भी लग गया है, यस। तो वैसे भी मेरे ख्याल से हमारे पास इनका स्टॉक काफी कम होगा, क्योंकि सारा घर लीक हो रहा है। इस साइड पे जाने का कोई फायदा नहीं, सारा सामान वगैरह मिल चुका है हमें, पे चलते हैं। भूल भुलैया भाई, ये घर में का रूम, ये लाइट किसने ऑफ की है? अंदर कौन था? वही हम, म्यूजिक की सीडी मिली है मेरे को। ओके, ही विल सेट अस फ्री। भाई गेम में क्या हो रहा है अभी? तो डर लगने लग गया है। एक तो सुनसान जगह, ऊपर से सिर्फ हम। यहाँ पे मेरे से पहले कोई था, वो बंदा गायब हो गया। स्पाइडरमैन ऊपर तो नहीं, लाइट भी ऑफ कर गया। मेरी तो लाइट पे नज़र पड़ी है, नहीं तो मैंने तो ज़िंदगी भर रही इस रूम में आना था। ये रूम भी खोल दो सर, काइंडली। हम तो थोड़ा सा आराम करो। एक और चीज़ वैसे मिल गई है, ये अच्छा हो गया। तो मेरे ख्याल से मैं इसके घर में वो पड़ा हुआ है, यस। ये है वो जगह जिसकी मैं तलाश कर रहा था। आई थिंक मेरे पास सारा सामान इकट्ठा हो गया, मैं जा सकता हूँ। ओ भाई ये कौन सा निकला है भाई? इसने तो मेरा आधा दिल बाहर निकाल दिया है। सारे हम अंदर आ सकते हैं अब, आपका काम हो गया ऑर्डर आने के अलावा। बंद ही कर दो, तो रूम भी नहीं बंद हो रहा। इस रूम में कोई गुजरा है यार? ये मुझे चीज़ पता नहीं क्या रेडियो बिछाया हुआ है, मैं कितनी दफ़ा रेडियो सुनूँ गेम वालों। अभी तो कुछ खुला है, तो यार यहाँ से मैं एक दफ़ा मायूस होकर जा चुका हूँ, ये लोग दोबारा चले जाते हैं। तो यार मुझे की गेम बिल्कुल इस टाइम तक ये लग रही है जिस तरह पजल गेम्स नहीं होती, अपने पजल्स पूरी कर रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से लाइब्रेरी टाइप जगह है, तो मुझे यहीं पर ढूंढना पड़ेगा, सामने जाना पड़ेगा। स्पाइडरमैन, आपके थोड़े करतूत देखने पड़ेंगे दोबारा से। तो इस साइड पर तो नहीं है, बुक्स ही बुक्स पड़ी हुई हैं। ओ गाइस, फाइनली बुक भी हमें मिल गई है। बुक को उठाते हैं, हमारे बंदा भाई बुक तो उठा ले। लग चुकी है फाइनल आइटम की जगह, ये पड़ी है, तो अपनी फाइनल आइटम लगाते हैं। तो दोस्तों ये बता रहा है, तो जाके गेम का भाई सीधी बात है प्रेशर बनाना है मशीन का, क्योंकि इसको ऑन ना कर दें ताकि प्रेशर बाद में बन जाए। तो यहाँ से प्रेशर नहीं बन रहा, गेम वालों को बताया है कि लो प्रेशर है, तो हमने जाना है जहाँ पे मैंने प्रेशर वाली जगह देखी थी, वहाँ पे अपना नाला ऑन कर देना है, तो प्रेशर गेम का बन जाएगा। अब वो जगह ढूंढनी है यार, घर में कोई जगह भी नहीं मिल रही। थे में सारे रोड्स जिस तरह गलियां इन्होंने बनाई हुई हैं वर्कशॉप की, सारी सेम लग रही हैं, वैसे ही सार मार रही पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, तो इधर से राइट होते हैं, राइट देखते हैं, क्योंकि जगह गया कि मेरे ख्याल से बंद होगी। नहीं यार ये स्टार्टिंग में है, तो इंक मशीन उस साइड पे है, हम चलते हैं। अब यहाँ से निकल गए थे ना, सीधा ही चलते हैं। और बच्चा डांस ना कर भाई, दिमाग खराब आगे हुआ हुआ है। तो ये जगह यहाँ से हमने प्रेशर बनाना है, तो मशीन का प्रेशर बनने लग गया है। ओ भाई कहाँ से ये सारी इंक कहाँ से आ गई, लीक कहाँ से हो रही है? ओ, मेरे ख्याल से हमें टेप लगानी पड़ेगी, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। अब मैं टेप कहाँ से ढूंढूँ, इसी कमरे में है। ओ भाई तू डांस धुना ना कर, ये जगह तो सारी ब्लैक इंक से भर जाएगी। मैं थोड़ा सा नहा लेता तो इंक में। अरे भाई मुझे करना क्या है पहले ये बताओ, ये जगह तो काफ़ी देर में यानी कि थोड़ी सी देर में फिल हो जाएगी। कॉफी इंक निकल रही है। अब मैंने ऊपर वापस तो नहीं उस मशीन की तरफ जाना, मैं जल्दी से निकलता हूँ उस मशीन की तरफ। कोई रूम ही खोल दो भाई, कोई टेप शेप तो नहीं लगानी मुझे, बताओ। हमारा पाइप लीक है, तो टर्न ऑन द इंक मशीन। माला न्यू ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या गेम वालों जल्दी बताओ, क्योंकि काम काफ़ी ख़राब हो गया घर में। राइट होना लेफ्ट होना भाई कुछ समझ नहीं आ रही गेम में। आई थिंक हम सही जा रहे हैं। नहीं यार बल्कि साइड पे तो नहीं जा रहा, मुझे पहले ये चेक करना होगा। एक मशीन नहीं, हमारी रेडी है, बल्कि मैंने ऑन कर दो बस चुप करके। तो हमारी मशीन रन हो रही है, अब मुझे नहीं पता क्या कुछ करना है। वैसे पाइप फटे हुए हैं, मशीन ऑन कर रहे हैं, काम सही नहीं है वैसे, ख़राब है। अब क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रही, मेन पावर जा तो रही है। तो दोस्तों मैं टाइम मशीन के पास आ गया, क्योंकि टाइम मशीन का सारा काम था। जगह किसने बंद कर दी? अरे ओ भाई ये कौन था? ओ, भागो भागो, एल शिफ्ट टू रन भाई, एस्केप द वर्कशॉप। मेरे पीछे कोई पड़ गया, सारे रास्ते बंद कर दिए गेम वालों ने, मेरे पीछे कौन पड़ गया भाई? वो बंदा कौन था? मेरे ख्याल तो गुफी जिंदा हो गया। गुफी मैंने यार वैसे ही कहा तुझे बचाऊंगा, तू जिंदा, मेरे पीछे है कौन? ओ भाई सारी वर्कशॉप टूट रही है, पानी में इतनी लाइट क्यों है? इस साइड पे एग्जिट है ना? ओ भाई रास्ता खुला हुआ है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। ओ ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, मैं ये कहाँ पे निकल आया हूँ? ड्रेन द इंक। ओ भाई लगता है मैं यहाँ पे फांस ही गया हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, नल बंद करता हूँ, नहीं तो इंक मेरे पे गिर जाएगी सारी।
तो ये नल बंद किया है तो इंक सारी निकल गई है, ऊपर से भी सारा बंद कर दिया यार। मैं तो भागने के चक्कर में था, इन्होंने सारी जालियां जुलियां लगा के बंद कर दिया सीन। खैर इस साइड पे क्या रेडियो, ओ भाई इसने तो मुझे छोटे सीक्रेट का बताया था, तो सीक्रेट ही बड़ा कर दिया। खैर इस साइड पर रास्ता है। तो गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आगे देखेंगे हम क्या कुछ करना है, हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो नेक्स्ट एपिसोड का प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।